नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर जनपद से, जहां पर अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना दुल्लापुर जनपद गाजीपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार 5 दिसंबर 2022 को हुई फाइनेंस कंपनी के एजेंट से लूट की घटना में शामिल अभियुक्तों को दुल्लापुर पुलिस व स्वाट टीम की सफल प्रयास से गिरफ्तार किया गया। दुल्लापुर थाना पुलिस द्वारा निरंतर अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में कई बड़ी सफलता को हासिल किया है, जिसमें हाल ही में हुई इस घटना का खुलासा करते हुए आज अपराधियों को क्षेत्राधिकारी भुड़कुड़ा व दुल्लापुर थाना अध्यक्ष सहित मैं हमराहियान द्वारा सक्षम न्यायालय में पेश किया गया। जिन अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के बाद उन्होंने अपने अपराध को कबूल किया, वहीं यह अलग अलग क्षेत्रों में कई घटना को अंजाम दे चुके हैं, जिनके द्वारा आज इस पूरी घटना का खुलासा करते हुए माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने अपराधियों को सक्षम न्यायालय में पेश कर उचित कार्रवाई की। जिनके पास से जिंदा कारतूस, तमंचा, नगद धनराशि व लूट में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, हथियार सहित तमाम चीज बरामद कर लिया गया है। आइए इस संबंध में क्या कुछ कह रहे हैं पुलिस अधीक्षक महोदय, खुद पुलिस अधीक्षक महोदय से ही सुनते हैं। सर, पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, ये किस तरह का गैंग है और कब से क्या किस तरह का सक्रियता भी चाहिए? ये थाना दुल्लापुर पुलिस और हमारी स्वाट टीम गाजीपुर को एक सफलता प्राप्त हुई है। अभी 5 तारीख में एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें एक फाइनेंस कंपनी का जो कलेक्शन एजेंट है वो पैसा लेके मऊ के जनपद से आ रहा था, करीब हमारे जनपद में 500 मीटर ही पहुंचा था एक सुनसान स्थान पे, उसके साथ लूट हुई थी। उसी सिलसिले में हमारी टीमें लगातार सतत चेकिंग कर रही थी। कल भी ये मलेठी मोड़ पे जो तिराया है दुल्लापुर क्षेत्र में, वहाँ चेकिंग कर रहे थे। इन्हें जानकारी मिली कि कुछ बदमाश फिर किसी घटना को अंजाम देने के लिए घूम रहे हैं। वहाँ पे स्वाट टीम भी थी हमारी, गई हुई थी उस क्षेत्र में, उनके पास भी कुछ इनपुट था घटनाओं के बारे में। रात्रि में 2 मोटरसाइकिल पे कुछ लोग आते हुए इन लोगों को टकराए, इन्होंने रोकने का प्रयास किया, वो रुके नहीं बल्कि पुलिस को देख के पुलिस के ऊपर उन्होंने हमला किया। पुलिस ने भी अपना पोजीशन ली, जैसे ही वो मुड़े उनकी मोटरसाइकिल टकरा गई और वो गिर गए। पुलिस ने अपना उन्हें ओवर पावर किया। जो पूछताछ में तथ्य आए हैं उनके द्वारा उनके पास से भारी संख्या में हथियार भी मिले थे, और पूछताछ पे उन्होंने जो 5 तारीख में दुल्लापुर क्षेत्र में घटना हुई थी उसको भी स्वीकारा, क्योंकि शक इसलिए हुआ पुलिस को कि इनके पास भारी धनराशि थी। उस धनराशि के बारे में जब इनसे पूछा गया तो इनके द्वारा कड़ाई से पूछताछ के दौरान ये बताया गया। इसी के साथ साथ एक घटना करीब 15-20 दिन पहले बहरियाबाद क्षेत्र में हुई थी, एक व्यक्ति की सोने की चैन छीनी गई थी, वो घटना का भी इन्होंने स्वीकार किया है, और क्योंकि वो बेच दी थी उसका भी पैसा इनके पास था। इसके अलावा जब इनके इन्होंने जो मोबाइल इनसे प्राप्त हुए वो बताया था कि 3-4 दिन पहले एक और घटना में इन्होंने 2 मोबाइल चोरी किए थे। जो मोबाइल इनके पास से मिले थे जब और सघनता से पूछताछ की गई तो उनका भी मिलान हुआ, क्योंकि उनका EMI नंबर और बाकी चीज़ें डिटेल टेक्निकल मिलाई गई। तो ये एक जो दूसरी पहली वाली हमारी घटना थी दुल्लेपुर वाली, उसमें भी इनसे बरामदगी हुई है, और जो 86,000 की लूट थी उसमें भी करीब इनसे 40,000 की बरामदगी हुई है। कुल मिला के करीब 56,000 रुपये की बरामदगी इन शातिर बदमाशों से हुई थी। इसमें एक उल्लेखनीय से 40,000 की बरामदगी हुई है, कुल मिला के करीब 56,000 रुपये की बरामदगी इन शातिर बदमाशों से हुई थी। इसमें एक उल्लेखनीय बात यह है कि जैसे ही 5 तारीख में घटना हुई थी तो इसी गैंग का एक बहुत सक्रिय सदस्य है जो अपनी जमानत तोड़ा के जेल चला गया था, जिससे कि इस अपने नापाक अपराध से
अपना बचाव कर सकें, लेकिन बुरे काम जो हैं अपराधियों का पीछा करते रहते हैं उसे भी मुलजिम बनाया गया है, क्योंकि 5 तारीख की घटना में और इससे पहले की जो भी घटनाएं इनके द्वारा की गई हैं उन सभी में वो अभियुक्त भी संलिप्त था। तो आज 4 अभियुक्त पकड़े गए हैं, जिन चारों के पास से अवैध तमंचे और खोखा कारतूस और कारतूस, जीवित कारतूस बरामद हुए हैं, लूट की संपत्ति और चोरी के मोबाइल सब इनसे बरामद हुए हैं। ये एक बहुत ही प्रशंसनीय काम हमारी दुल्लापुर पुलिस और SWAT टीम गाजीपुर द्वारा किया गया है। ये रैकी करते थे, पहले ये आइडेंटिफाई करते थे कि सॉफ्ट टारगेट कौन है और सुनसान रास्तों को चुनते थे। जब इनसे गहनता से पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि इसकी ये रैकी कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से कि ये आदमी कहाँ कहाँ से कलेक्शन करके आता है। दूसरा, इन लोगों का हमेशा प्रयास ये रहता है कि बॉर्डर के आसपास की घटना करें, जिससे कि जब डायल 100 पर सूचना जाती है तो 2 जनपदों की पुलिस आपस में उलझी रहती है कि ये घटना वहाँ की है, वहाँ की है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि 100-200 मीटर जब भी इधर उधर होती है किसी जनपद के बॉर्डरों पर ये घटनाएँ। तो थोड़ा सा इसमें भी ये घटना दुल्लेपुर की 4:15 बजे की थी, जबकि 5:02 पर डायल 100 पर सूचना आई, पहले कहीं और कॉल ट्रांसफ़र हो गई थी ये बाद में आई, और 5:30 के करीब हम लोगों को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि साहब इस तरह की घटना है। उस समय भी घेराबंदी की गई थी और ये यद्यपि इन लोगों का इतिहास पुराना इतिहास भी है, ये मनबढ़ किस्म के और इस तरह की घटनाओं में संलिप्त इनमें से कुछ लोग पूर्व में भी रहे हैं, तो ये इस समय इनकी घटनाओं में बड़ी तेज़ी से वृद्धि हुई है पिछले 20-25 दिन में। इन्होंने कुछ घटनाओं को किया है और भी प्रयास कर रहे हैं, किसी और जनपद में तो नहीं किया है, उसका भी प्रयास कर रहे हैं जानने का। इस गैंग का एक जो मुख्य सरगना था विशाल यादव, वो मैं बता रहा हूँ, वो अपनी जमानत तोड़ा के 6 तारीख में ही अपने पूर्व के मुकदमे में जेल चला गया था पुलिस के बहस से। बाकी 4 लोगों की आज गिरफ्तारी हुई थी रात में, मौके से हुई। इन्होंने कुछ घटनाओं को किया है और भी प्रयास कर रहे हैं, किसी और जनपद में तो नहीं किया है, उसका भी प्रयास कर रहे हैं जानने का। इस गैंग का एक जो मुख्य सरगना था विशाल यादव, वो मैं बता रहा हूँ, वो अपनी जमानत तोड़ा के 6 तारीख में ही अपने पूर्व के मुकदमे में जेल चला गया था पुलिस के बहस से। बाकी 4 लोगों की आज गिरफ्तारी हुई थी रात में, मौके से हुई थी, और अगर कल इनकी गिरफ्तारी नहीं होती तो निश्चित रूप से ये किसी और घटना को अंजाम देते। सर, पुलिस टीम को कितना दिया गया था? इस संयुक्त रूप से इस पुलिस टीम को 25,000 रुपये के इनाम की घोषणा की गई है।